तो ठीक, आपको मेरे पीछे ये पुराना मकान दिख रहा होगा, काफ़ी प्यारा मकान है यार और काफ़ी यादें हैं यहाँ पर भी। तो अभी मैं आपको ना मंदिर के साइड ले जा रहा हूँ, अब मंदिर दिखाऊंगा भाई कितना प्यारा बन गया हमारे गांव का मंदिर। तो ये अभी दादी सरवारी है यार, देखो सासु सासु समय नहीं डोरी से करो मोहन कह दूने से बुगरी बुलेनी वजू 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 बोदी क्या अरे मेरा हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की ब्लॉग की शुरुआत ना काफ़ी प्यारे मौसम के साथ हो रही है और आप सामने देख सकते हो भाई बादल कितने प्यारे लग रहे हैं और ठीक सामने से और यहाँ तक सूर्यदेव भी पहुँच गए हैं। तो अभी दिन के 10 बज गए हैं और सामने आप देख सकते हो भाई गांव के आगे काफ़ी प्यारी हरियाली हो रखी है और मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो रखा है आज का। दोस्तों सुबह से ना मौसम काफ़ी मस्त हो रखा है, प्यारे से बादल लगे हुए हैं और अभी ना हल्की धूप लग गई है। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से और अभी ना मुझे नीचे गाँव में जाना है, मेरा कुछ काम है। सीधे सामने आपको मंदिर भी दिख रहा होगा, तो हमारे गांव में एक नया मंदिर बना था कुछ टाइम पहले, वहाँ पर मूर्ति स्थापना हुई थी। तो यार आज सोच रहा हूँ आपको दिखा दूँ भाई अपना गांव का मंदिर कैसा है, और शिवरात्रि भी नज़दीक आने वाली है तो आज मैं आपको अपने गांव का मंदिर दिखाता हूँ। और कल शायद शिवरात्रि है तो कल चलेंगे भाई हम काफ़ी प्यारी लोकेशन पर शिवरात्रि पर, जो हमारे चौथान पट्टी का एकमात्र प्यारा सा मंदिर है जयराज वाला, तो वहाँ ले चलेंगे आपको कल। तो कल की वीडियो में आप बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं ताए लोगों के घर पर पहुँच गया हूँ, हसीर में आप पहले पहुँच गए हैं, पहले पहुँच गया यहाँ, हेलो करो गुड बॉय। और इधर देखते हैं भाई आज मीनू की लिपाई चल रही है, इधर ना मीनू कर रही है लिपाई, ये देखो आज उसने बिल्कुल दीवार भी लिपाई कर दी है और इस साइड भी चमका दिया है, पूरा चमका दिया उसने आज। ये देखो भाई ये हमारी छोटी बहन है और पूरी लिपाई कर दी इसने, लगे रहो लगे रहो। तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ गाँव के साइड नीचे, तो निकल गया हूँ मैं घर से और मुझे जाना है सीधे नीचे और अभी मार्केट भी जाना है कुछ काम से। तो ये भाई गांव नीचे साइड है तो वहाँ चलेंगे अभी आगे। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपने गांव के आंगनबाड़ी में और आपको ले चलता हूँ। और यहाँ पर देखो भाई पहले तो यहाँ पर कूड़ादान बनाया हुआ है मस्त वाला और ये है हमारे गांव का आंगनबाड़ी, यहाँ पर बच्चे देखो भाई। तो दोस्तों अभी मैं घर से नीचे आ गया हूँ और ये था भाई हमारे गांव का आंगनबाड़ी, काफ़ी प्यारा है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ना काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो दोस्तों जैसे हम गांव में पहुँचते हैं नीचे तो सबसे पहले माँ भगवती का मंदिर आता है, तो माँ भगवती के दर्शन होते हैं, तो जय माँ भगवती। और ये है भाई हमारे गाँव का माँ भगवती का मंदिर। तो अभी चलते हैं भाई नीचे गाँव की ओर और आप सबको पता ही है कि ये घर हमारी दादी जी का है, तो आजकल दादी जी भी घर पर हैं। ये देखो भाई ये हमारे दादी जी का घर और यहाँ पर दादी ने भाई हल्दी देखो कितनी सारी हल्दी हो रखी है यहाँ पर हैं। ये हमारी दादी देखो, अरे नमस्ते 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 बाबा, हो गया नाश्ता, हो गया नाश्ता, हाँ होएगा, अभी कुछ नहीं खाए कुछ नहीं खाई, नाश्ता पहले हो गए, नाश्ता पहले हो गए, अच्छा। तो भाई देखो दादी आ गई घर पे, ये है दादी का घर और ये देखो भाई अकेले रहती है दादी भी इस घर पे। ये देखो भाई हमारी दादी हमें एक प्यारा सा गाना भजन सुना रही है। दो दिन का सही बात है भाई, जीवन का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। जीवन क्या है रामा मिट्टी की डेला, पानी पड़े गल जाना कर। बढ़िया बढ़िया दादी बढ़िया। तो अभी दादी सरवारी है देखो, गुलो बंदे गुलु बन की नगीनी, अरे तुम ते मेरी सासू बड़ो की गिनी, बुगरी बुलेनी वजू 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 बोदी क्या, अरे मेरा बैठा को चा गीला सा तारे पाई मैं जा। देखो भाई आजकल की बुआरी के लिए ये गाना है, बुआरी बुलेनी वजू वजू बोदी क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप बताओ। मेरा गंदी का पड़ती सासू हूँ ते देख लिया, क्या मतलब दादी है ये तो बता दे जरा, ये मतलब क्या है? ये मतलब है ऐसा है कि बुआर ऑर्डर लगाना थी और सास नहीं बनू, बुआर नहीं बनू नहीं, अच्छा बुआर नहीं जाने चाह लेके
तो लॉडर बैठ सी थी असाज काम करनी ये देख लो भाई आजकल का टाइम ऐसा हो रहा है मतलब दादी का मतलब है तुम्हारे टाइम पे पहुंचे बॉडी बता रही है टाइम बजे रात 3 बजे चार बजे पानी मतलब जो काम काज होता था सुबह की 3 बजे से सुबह बोला हम खुद मैं तो उठ चार गोर बजे उठ जाने देखा 3 भैंस और टाइम पे 3 भैंस अगर बार बार फूल हम बाँधी हो तो छह आजकल तो बाजार होगा सब कुछ तो भाई बॉडी बता रही है हमें कि उनके टाइम पे ना बहुत ज़्यादा काम होता था और टाइम नहीं मिलता था मतलब आराम करने का आप देख सकते हो भाई उस टाइम पे 3-4 हज़ार भैंसे थे और टाइम नहीं मिलता था यार काम से फुर्सत नहीं मिलती थी इन्हें आराम करने का और अब देखो आराम ही आराम है काम नहीं है कुछ नहीं है तो अभी मैं पहुँच गया हूँ चाचा लोगों के घर पर ताऊ लोगों के घर पर ये है भाई हमारे ताऊ जी का घर चाची जी का घर नमस्कार और क्यों चा ठीक ठाक चाय पीड़ है ना ना भाई ये हमारी ताई जी है और ये हमारी गांव की बॉडी जी है यानी ये भी ताई जी हुई तो ये है भाई चाची लोगों का घर और माल्टा के पेड़ देखो भाई यहाँ पर एक माल्टा का पेड़ है एक सामने है एक उस साइड है और खेती देखो यहाँ पर लहसुन प्याज लगा रखा है और इस साइड है भी बो रखा है पता नहीं क्या बो रखा है तो ये भाई हमारे गांव का नीचे साइड का हिस्सा हमारा जो पुराना घर था ये सामने देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है ना ये हमारी छोटी बहन चाची की लड़की अरे देखो भाई सिलाई का काम करती है घर पे अपना बढ़िया है यार बॉडी नमस्ते और हमारी बॉडी क्या कर रही है आज देखो भाई हमारी बॉडी काट रही है कुट्टी और यू है उजे के मतलब कि कारण गोर खड़े तो इसको ना बॉयल करके तब देते हैं गाय भैंसे को और दूध छक देने तब है दूध 1 किलो है कितनी दे दी 6 किलो 7 किलो है हो जाए 6-7 किलो दूध खाली झूठ बोल बड़े ना हम मतलब झूठ बोल रहे हमसे ना चलो चलो लगे रहो काम पे तो अभी हम आगे नीचे साइड और इस साइड चलते हैं भाई यहाँ बॉर्डर जी आराम से बैठे हुए हैं ये देखो भाई यहाँ पर गेहूँ और कोद बड़े नमस्कार और इस साइड नीचे भी मकान बन रहे देखो तो ठीक आपको मेरे पीछे ये पुराना मकान दिख रहा होगा काफ़ी प्यारा मकान है यार और काफ़ी यादें हैं यहाँ पर भी तो अभी मैं आपको ना मंदिर के साइड ले जा रहा हूँ अब मंदिर दिखाऊंगा भाई कितना प्यारा बन गया हमारे गांव का मंदिर और उसमें जो मूर्तियाँ आ रखी हैं वो भी बताऊंगा आपको मैंने पिछली बार नहीं दिखाई थी इस बार दिखाऊंगा मैं आपको तो दोस्तों अभी मैं आपको मंदिर में ले जा रहा हूँ जय भोलेनाथ ये देखो भाई हमारे गांव का मंदिर काफ़ी बन के काफ़ी बढ़िया रेडी हो रखा है तो ये भाई हमारे गांव का मंदिर और इस साइड है शनिदेव का मंदिर जय हो शनिदेव ये देखिए भाई तो ये है भाई शनिदेव का मंदिर जय श्री राम तो दोस्तों ये है भगवान हनुमान जी का मंदिर और यहाँ पर देखिए भाई ये है हनुमान जी की मूर्ति जय श्री बजरंग बली तो दोस्तों ये है भाई हमारे गांव का मंदिर और आज मैंने आपको मंदिर पूरा दिखा दिया है और हमारे गांव के मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई थी उस दिन मैं आपको बता नहीं पाया आज मैं आपको भगवान जी की मूर्ति भी दिखाता हूँ भाई मंदिर के अंदर और दर्शन कराते हैं आपको भगवान श्री भोलेनाथ जी के